के अपन कौन सा लिया था, के सर के। एक बार कोड को समझिए, बताता हूँ क्या है बेसिकली, अच्छा हमें जरूरत क्या है, हमने क्या है, हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली हमारे पास डेटा वन है, राइट। डेटा वन हाँ है जिसमें हम लोग डेटा, जहाँ पे हमारा डेटा है हमारे पास। अब हमने एक फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में मेरे पास लिस्ट ऑफ नेम है जो कि डी वन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ और अजीत क्लिक किया तो अजीत का डेटा आ गया, या अजीत और देव सेलेक्ट किया तो अजीत और देव का डेटा आ गया। तो मैं चाहता हूं कि फॉर्म में भी मैं जिस भी नेम को सेलेक्ट करूं, ओके करूं, उसका डेटा नीचे वाले पे आ जाना चाहिए। फिर मैं जब इस पे डबल क्लिक करूं तो इसको ओपन कर सकूं। ये हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट है, फर्स्ट हमारा यही है। तो हाँ इसके लिए हमने वीवीए क्या किया बताता हूं। तो सबसे पहले तो हमने दो लिस्ट बॉक्स लिए, यहां से ऊपर ये लिस्ट बॉक्स, एक का लिस्ट नाम है लिस्ट 3, दूसरे का नाम है लिस्ट 6। तो पहले वाले पे हमने, यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग यहाँ भी कर सकते थे, कंट्रोल सोर्स में जाके, रो सोर्स में जाके हमने इसकी जो डेटा में, यहाँ देखिए डेटा में यहाँ पे टेबल क्वेरी दिखा हुआ है ना, तो हाँ हमने इसकी जो प्रोग्रामिंग की, ये प्रोग्रामिंग किया कि टीम एसक्यूएल, हमने बोला कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम D1 ग्रुप बाय नेम। तो ये जो कोड हमने बीवीए में लिखा है ना, एसक्यूएल की कोड, वो हम डायरेक्टली जो है यहीं पे रो सोर्स में डायरेक्ट यहाँ भी दे सकते थे, बराबर। ठीक है। लेकिन हमने वीवीए में इवेंट मैक को लगाया कि प्राइवेट सब फॉर्म जब लोड हो, जब फॉर्म हमारा लोड हो तो लोड होते ही ये रन चल जाए, तो me.listbox3 रो सोर्स इक्वल टू SQL 3, वो भी सेम काम कर रहा है, वीवीए भी सेम काम कर रहा है। तो लिस्ट ऑफ नेम इसमें आ जाते हैं। अब मैं जो इसको सिलेक्ट करूंगा उसकी डेटा यहाँ आना चाहिए। तो सिलेक्शन हम सिंगल ही करना चाहते हैं, हम सिलेक्शन करना चाहते हैं मल्टीपल, तो हम इसके फॉर्मेट में आएंगे। और इसमें मल्टी सिलेक्ट होता है, अल्फाबेटिक है, डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले। अच्छा यहाँ दिक्कत है तो आप ऑल में जाइए, वहां दिख जाए। मल्टी सिलेक्ट को मैंने यहाँ पे लेबल हो गया, विजिबल हो गया, कॉलम इधर, लेफ्ट उधर। जो सामने कॉलम नहीं आ रहा था ना, उसमें कॉलम में क्या हाँ क्या मैं था आपको सर? भी बताता हूँ, कॉलम एक मिनट, वही बताता हूँ। यहाँ आपका मल्टी सिलेक्ट होता है, आ गया। अगर या तो मल्टी सिलेक्ट दिख रहा है, तो मल्टी सिलेक्ट। इसको यहाँ, यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट में हमने सिंपल को यहाँ से चेंज कर दिया, नन को सिंपल और एक्सटेंडेड तो सिंपल कर दिया, मतलब जिस जिसको अच्छा क्लिक करेंगे ना उस लेवल एक्सटेंड कर देंगे, तो स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे तो बीच का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट दबा कर सिलेक्ट करते हैं ना, उस तरह से हो जाएगा। अच्छा 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 ओके ओके अब यस। बात आती है कि हमारे पास एक टेबल को लुकअप करना है, तो जितने भी टेबल में रो कॉलन है वो कॉलन पहले नहीं आपको देखना हो। ओके तो हमने क्या किया, इसका जो कॉलम यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर में आप देखेंगे, कॉलम काउंट हमने 12 कर दिया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मैं हीडर, जो कॉलम का हीडर है, उसको अगर नो कर दिया तो फिर लुकअप नहीं होगा, समझ गया ना। बराबर। यस होना हाँ चाहिए, अगर नो कर देंगे और सिर्फ एक जो पहला रो है ना वही दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया यस, यस यस। यस करते ही हमने कॉलम काउंट जितने 12 दिया है ना सर, कॉलम काउंट 12 दिया है ना अपन, हाँ, कॉलम काउंट काउंट बारह सही करके और देना। कॉलम हेड यस। यस यस बराबर बराबर। अब यहाँ पे आता है कि मैं बटन, यहाँ से एक बटन ड्रैग किया और बटन के ऊपर हमने बटन यहाँ से डिजाइन से हमने यहाँ से ड्रैग किया अगला बटन, ठीक है। और डिजाइन करने के बाद इसके इवेंट में गया, और इवेंट में मैंने इसको कोड वाला कोड बिल्डर सेलेक्ट करके, और हमने प्रोग्रामिंग की। हमने प्रोग्रामिंग की, सबसे पहले हमने के को स्ट्रिंग माना, एक वेरिएबल ले लिया और लूप लगाया। लूप में बोला मैंने कि फॉर ईच आई टर्न इन List 3 डॉट सिलेक्टेड, हमने बोला कि जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसके हर एक आइटम में चलना है। और फिर क्या है कि एसक्यूएल जो कोड जो लिखने का तरीका है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे लगाना है तो मैं देना पड़ता है वेयर, वेयर नेम इक्वल टू डबल इनवर्टर कॉमा, यहाँ पे डबल इनवर्टर कॉमा में पूजा,
तब जाके बाहर इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट होगा, ठीक है? ठीक है, तीसरा है चाहिए। तो हमने क्या किया कि जो नेम और इसमें अगर सेकंड कंडीशन है हमारे पास, तो यहाँ पे और ऐसे ही अगेन नेम इक्वल टू मोहन इस तरह से देना है। तो प्रॉब्लम यह है कि ये जो नेम है पूजा मोहन, वो तो लेना है मुझे किससे? लिस्ट बॉक्स से। तो लिस्ट बॉक्स में हमने बोला कि के एंड के साथ और नेम और डबल इन्वर्टर कॉमा लगा दिया, ताकि डबल सिंगल इन्वर्टर कॉमा बाहर प्रिंट करेगा। यहाँ डबल लगाओगे तो बाहर सिंगल प्रिंट। लिस्ट आइटम डेटा आइटम कर दिया, आइटम डेटा के अंदर जो आइटम है, ये जो आइटम ने डिक्लेयर किया है ये आइटम डाल दिया और फिर वापस क्लोजिंग कर दिया और करता चला गया। अच्छा, तो स्टार्टिंग के अंदर में, स्टार्टिंग में और होगा क्योंकि तो और जो दिख रहा है आपको ये और लग के आएगा जो कि नहीं रहना चाहिए, तो और मैंने यहाँ से उसको माइनस कर दिया थे और फिर सब इनको कंबाइन कर दिया और आप देखिए स्टार लगा दिया ताकि सारा लुकअप हो जाए और फिर स्क्वेल को हमने रन कर दिया। तो अब यहाँ पे जैसे ही इसको हम रन करते हैं यहाँ पे, सर एक पूछना था सर, के अपन जो सिलेक्शन लिया है के वाला, हेलो। अच्छा ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, आप इसको तसल्ली से देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ सर, हेलो।